सच में जब मैं शो की शुरुआत कर रही थी उस टाइम पे कहीं ना कहीं नीलू जी को किसी के थ्रू टेक्नीशियंस के थ्रू पता लग गया था मैं बताना नहीं चाह रही थी मैंने अपने घर में भी नहीं बताया था क्योंकि इतने सालों बाद मैं लौट रही थी और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में मुझे समझ नहीं आया था मैं एक्चुअली जा रही हूँ डेली सोप की शूटिंग करने वाला मैंने शो ले लिया है क्या है बिकॉज मंगल लक्ष्मी शो है कितना मेरा रहेगा मुझे कुछ नहीं था और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेड नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया पर भापो को ख़ुद से मुझे फ़ोन आया मैं दिल्ली में शूट कर रही थी और उन्होंने बेस्ट विशेष दिए मैंने उनको फोटो भेजा अपना लुक का तो वो मेरी एक तरह से माँ की जैसे है शोज नेगेटिव 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 करने के बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे नाम जब फ्लैश हुआ कि उर्वशी उपाध्याय इज डूइंग दिस कुसुम्स रोल तो लगभग ये तो वही मंजुला है ये तो वही कमी है मैं नीचे कमेंट पढ़ रही थी मैंने बोला बाप रे तो मेरा जंग तो यहीं शुरू हो गया है कि अपने आप को मैं कैसे तो येस डेफिनेटली देखिए आजकल तो मैं थोड़ा लेट पहुंच रही हूँ घर पे तो मुझे इतना नहीं पता चल रहा है मगर मैंने स्पेशली अपनी सिस्टर इन लॉ और अपनी जो हाउस हेल्प है उन सबसे पूछा जब मेरा थोड़ा सा लेट का कॉल टाइम था कि शो देख रहे हो ना शो देख रहे हो ना तो उन्होंने बोला हाँ अरे वो आया था ना वो तो जो आपकी मदर इन लॉ है कुसुम जी उन्होंने तो सौम्या को ऐसे सुनाया कि ये तो मैनेजर है घर की और वो वाला बहुत सीन अच्छा सीन था और आपको आदित्य ने फूल दिए और उसमें सौम्या जो चिड़ गई तो मुझे फिर लगा कि वाह और फिर मैंने करके अच्छा मैं भी देखती हूँ तो मैंने अभी दो तीन एपिसोड्स में मैंने फॉलो नहीं किया उससे पहले का मैंने देखा और मैं सच में फ़ैन हो गई मैम की परफॉर्मेंस से कितना अच्छा और कितना आई एज एन एक्टर आई नो कितना चैलेंजिंग है वो दोनों लेयर्स पर खेलना कि जहाँ पर आपको सास सास है और साथ में वो एक सपोर्टर बन के भी सामने आ रही है स्पेशली जब उनका खुद का बेटा एक अपनी ऑफिस uh, की कली को ले आता है घर में या कहीं ना कहीं यू नो एक स्पेशल पर्सन को ले आता है जो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्पेशल पर्सन है घर में और वहाँ हाँ उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मेरी मंगल कहीं ना कहीं नेगलेक्ट ना हो जाए उसके लिए मंगल ख़ुद नहीं सोच रही है मगर मदर इन लॉ इतना सोच रही है और उसको वो जगह दिलवा रही है और बार बार आदित्य को रियलाइज़ करा रही है कि यू नो कि घर वाले इतनी मेहनत करते हैं वो तो कभी दिखाई नहीं देता कितनी अजीब बात है ना तो इतने प्यार से उन्होंने भिगो भिगो के जो तो डायलॉग मारे हैं ना वो मैं फ़ैन हो गई हूँ और बहुत मज़ा आया मुझे वो सीन्स देख के मैम करेक्ट क्योंकि आज जो अपना कार्तिक है शुभम उसने भी मुझे अभी सुबह आके बोला कि मैम आ, अधिकतर क्या होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि मुंह बना बना के चढ़ा चढ़ा के बोलते हैं आंखें बना बना के लेकिन आपने जो उसको बोला कि ये तो बाहर वाली है ना तो इतना आपने इतना। मतलब इतना उसको मारा सीधा दिल पे लग जाए किसी को बाहर वाली और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने एक लाइन में मंगल को ये बोला था कि घर वाले चाहे कितना कुछ करके दे कोई कदर ही नहीं करता है ना मंगल और ये बहुत बेचारी इनोसेंटली जस्ट आती है और बोलती है कि हाँ 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 हा, अम्मा तारीफ भी नहीं ले पाती है एक हाँ। वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसकी कोई तारीफ भी करे तो उसको ऐसा लगता है बेचारी कि क्या क्या रिएक्ट करना उसको ये भी नहीं पता कि अप्रिसिएशन को रिएक्ट कैसे करना है शी इज सो सिंपल वहाँ पे मदर इन लॉ इतनी समझ वाली हैं और मतलब इतनी एलिगेंट है इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग है उनको सब समझ आ रहा है और यहाँ मंगल को समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये थी कि जब मंगल खुद की तारीफ नहीं कर रही बोलती कि अरे सौम्या जी आपने तो कार्ड बहुत अच्छा किया

कलम की बहुत बड़ी कला है बहुत ही अच्छा आ, लिखा गया था मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो मैंने बोला वाओ, क्या लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा होता है ना तो मैंने तभी तो बोला तो कि तारा जी टेलीविजन की बहुत बड़ी तो, ये तो, हर।, हर मैंने वही बोला कि देखो 40 परसेंट काम कर दिया है हमारी स्क्रिप्ट ने और 40 परसेंट हमारे फहीम जी ने तो मेरे में मुझे तो खाली ट्वेंटी परसेंट काम करना था मतलब कुसुम का एफर्ट मैम इज़ बेस्ट तो एप्टि वो जो आई टू आई था ना उनका जो बोलना वो मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज मैंने तो कल रात को ही वो सीन देखा आ, तो मैं तो ऑनलाइन ही देखती हूँ क्योंकि आ, तो जैसे जैसे मैं मुझे तो टाइम मिलता है मैं शो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा मुझे मतलब अपना शो देख के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि वाह मतलब मैं खुद बंधी हुई थी मुझे सारे सीन्स पता थे उसके बावजूद भी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था बट वो देख जो मज़ा तो तो वो एक अलग ही स्वाद स्वाद आ रहा था। तो अगर आपको भी ये चाहिए और अर्जुन होता है बेचारा अर्जुन बोलता है, कि हे, क्या करना है हे, वासुदेव हे कृष्ण और यहाँ पे ये अच्छे से प्यार से बिको सब कुछ जानते हैं और कृष्ण जी बराबर से सबको सबक सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अच्छे से बहुत सारी अच्छी चीजें याद आ गई और सबसे अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए समाज के लिए टेलीविजन में अब तक हमने देखा है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है बहन बहन की दुश्मन सब एक दूसरे की नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पेंगलर इन लॉजिंग और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सोम्या के प्रति मेरे जो डायलॉग्स हैं वो इतने गंदे वाले कोई शब्द यूज नहीं किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे सोम्या भी बींग फीमेल हम उसको नीचा नहीं दिखाना चाहते लेकिन उसकी लिमिट दिखाना चाहते हैं कि सी दिस इज़ योर लिमिट ये मेरा घर है मेरी बहू है मेरा बेटा है एंड दिस इज़ योर लिमिट तो मैंने बहुत अच्छे शब्दों से उसको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया पर उसको उसकी लिमिट उसकी हद दिखा दी और बहुत अच्छी तरह से तो ये एक वो भी एक अच्छा मैसेज है कि अगर आपके घर में अननेसेसरी कोई बाहर की थर्ड पर्सन आने की कोशिश करती है तो उसको हम चिल्लम चिल्ली या गाली गलोच से हाँ सपोर्ट करके उसको कैसे स्टॉप किया जाए ना कि उसको गंदे शब्दों से या डिसरिस्पेक्टफुली उसको स्टॉप किया जाए बट रिस्पेक्टफुली उसको उसकी लिमिट दिखा जाए और समझदार को इशारा काफ़ी होता है अगर वो समझदार है तो रुक जाएगी ना जाए दीदी ने मुझे हम दोनों मिले थे तो आ, हम शूटिंग में तो हम दोनों की जो आपसी बात वो यही थी कि दीदी ने मुझे बोला कि हे आई हैव टू क्रैक दिस एंड दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड यू नो दिस इज डिफरेंट एंड दीदी मैं दीदी को ऐसे देख रही थी कि इतना काम कर लिया स्टिल दीदी इज सो डाउन टू अर्थ एंड यू नो शी वॉन्ट टू ड्राई आउट फुल फुल हार्ट से वो मतलब शी वॉज ऑन द फ्लो कि डायरेक्टर साहब को उन्होंने खुद से बोला था कि सर आपको जो भी लगे आप मुझे बताएं मैं वैसा करूंगी एंड शी वॉज इतना उनका एज ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी यू नो एक एज के साथ में थोड़ा जो भी हमारा आफ्टर थर्टीज़ क्या हो जाता है इंसान रिजिड होने लग जाता है बट वो रिजिडिटी उनके अंदर है नहीं शी इज़ देयर फॉर एवरी करेक्शन फॉर एवरी कोई भी क्रिएटिवली जो रहता है ना इनपुट जो ऑन द फ्लोर आता है उसको तुरंत एक्सेप्ट करके वो डिलीवर करती हैं जो एज एन एक्टर बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में वही मेरा भी था मैंने भी दीदी को ये बोला कि लोग मुझे अभी तक स्ट्रॉग इमेज में जानते हैं और uh, इस बार मुझे भी ये एक अच्छा रोल मिला है अलग रोल है और इट्स नॉट सिंपल इट्स नॉट सिंपल टू डिलीवर इट लुक्स लाइक सिंपल बट इट इज नॉट सिंपल टू डिलीवर तो मेरे लिए भी चैलेंज है और बहुत मजा आएगा दीदी और हमने दोनों के हाथ को ऐसे थामा और हमने बोला देख yes, लेना बहुत crack अच्छा crack होगा तो वो हम मुझे लगता है हम सबकी मिलके एक, एक एनर्जी है और आज भी हम सब सा एक्टर्स जो हैं बहुत ही मिलके काम करते हैं वो शायद इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है right. आदित्य भी फैन बार नमन में मुझे डांटते तो लिटरली वो मुझे हम लोग भी जब बात कर रहे होते तो वो बोलते ये तू ऐसा मोमन बनाना तू ऐसा मुंह मोमन बनाना मैं बोलती मैं और बनाऊँगी एक लाइन थी टाइप जिसमें वो बुज सिखाता है आदित्य जो है मंगल को कि मेरे बहुत सारे हैं तुझको उसको हेलो हा, हाव यू बोलना है तो मंगल बोलती हेलो हाव आदित खाएगी चलो ऐसी आ गई थी <laughs> तो बहुत मज़ा करते हैं हम सीन करते हुए और बहुत मज़ा आ रहा है काम करते हुए और ये मज़ा आता रहे इसके लिए आप दुआएं करते रहे शो देखते रहें एंड थैंक यू सो मच दीपिका कि इतनी सारी तारीफें कर दी बट बींग मतलब इतने सारे शोज़ नेगेटिव 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 करने के बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे नाम जब फ्लैश हुआ कि उर्वशी उपाध्याय इज़ डूइंग दिस कुसुम्स रोल तो लगभग ये तो वही मंजुला है ये तो वही कमी नहीं मैं नीचे कमेंट पढ़ रही थी मैंने बोला बाप रे तो मेरा जंग तो यहीं शुरू हो गया है कि अपने आप को मैं कैसे तो येस yes, डेफिनेटली पर मेरा बींग एक्टर बींग थिएटर एक्ट्रेस मैं पच्चीस साल से थिएटर कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ तो मैं शुरुआत में बोलती हूँ सर को कि मैं सर आज मेरा पहला दिन है मैं कुछ नहीं हूँ मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं हंड्रेड एपिसोड तक जैसे आप बोलेंगे वैसे कर दी जाऊँगी क्योंकि उसके बाद बेचारे डायरेक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपको स्पून फीड करें मैंने बोला सर कहीं पर भी रोकना टोकना तोड़ना मरोड़ना सीखना संभालना मतलब आपको देखना है कुसुम आपने पैदा किए मैं कैसी दिखूँगी वो शायद कुसुम का कैरेक्टर जब मैं रीड करती हूँ तो मेरे लिए सीमित हो जाता है लेकिन डायरेक्टर के लिए कुसुम पूरे मंगल लक्ष्मी में दिखती है तो मैंने बोला जो आपका विजन है सर वो मेरा विजन कभी नहीं हो सकता मैं सिर्फ कुसुम को देखती हूँ आप पूरे मंगल लक्ष्मी को देखते हैं तो आप मंगल लक्ष्मी वाली कुसुम मुझे दीजिए और मैं उसको संभालने की कोशिश करूँगी तो आई थिंक मेरे डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा हाथ है स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है और बाकी जैसे मैंने बोला मैं मेहनत करती तो रहती हूँ और अभी थी थी करती हूँ नहीं नहीं मैं मैं क्रेडिट देखो तुम इतनी क्रेडिट मुझे दे रही हो यार नहीं मैं क्रेडिट डेफिनेटली अपने बच्चों को छोड़कर आती हैं खुद से सुबह पाँच बजे उठ के खाना बना के लेकर आती हैं और डाइट को इतना फॉलो कर रही है नो काफ्स डाइट पर है सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी रही है और इतने लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं इनके दो दो तीन तीन पेज के और उसको कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैम बिना डायलॉग्स करके आ गई ये उनकी एज ए स्ट्रेंथ है एज एन एक्टर ये उनका तपस्या है साधना है तब जाके वो इतना प्यार से दिख पा रहा है मैंने आज तक मैम को नहीं देखा कि मैम ने डायलॉग ज्यादा ना मैम फुल लॉन आती हैं तो मुझे लगता है हर इंसान अगर इस तरह से डेडिकेटेडली काम करे तो वो एनर्जी पहुंचती है और कहीं ना कहीं वो लोगों को पसंद आता है जब सामने वाला इतनी अच्छी नीयत से काम करता है मैम और सही है कि ऑडियंस को अभी कुसुम एक अच्छे किरदार पॉजिटिव रोल में लोगों को पसंद आए मंगल लक्ष्मी में जो... अरे आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो कैसे नहीं मेरी बेस्ट विशेज हमेशा है नीलू जी के लिए मेरी भावों के लिए और आ, सच में आ, जब मैं शो की शुरुआत कर रही थी उस टाइम पे कहीं ना कहीं नीलू जी को किसी के थ्रू टेक्नीशियंस के थ्रू पता लग गया था आ, मैं बताना नहीं चाह रही थी मैंने अपने घर में भी नहीं बताया था क्योंकि इतने सालों बाद मैं लौट रही थी और मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में मुझे समझ नहीं आया था मैं एक्चुअली जा रही हूँ डेली शो की शूटिंग करने वाला मैंने शो ले लिया है क्या है बिकॉज मंगल लक्ष्मी शो है कितना मेरा रहेगा मुझे कुछ नहीं था और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेड नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी तो मैंने इन्फॉर्म नहीं किया पर भापो को खुद से मुझे फोन आया मैं दिल्ली में शूट कर रही थी और उन्होंने बेस्ट विशेष दिए मैंने उनको फोटो भेजा अपना लुक का तो वो मेरी एक तरह से माँ की जैसे है कहीं ना कहीं जब मैं कभी गिरती भी हूँ मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ रियल लाइफ में मैं एक बार बहुत बीमार हो गई थी और मुझे नीलू जी का फ़ोन आया उन्होंने बोला कि मैं तेरे को याद कर रही थी तो मैंने बोला कि आपको पता है मेरा बहुत ज़्यादा लो बी हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक्चुअली बेड पर हूँ और फीवर भी हो गया था और आपको कैसे पता चला तो देट तो इज़ दैट टैलीपैथी कहीं ना कहीं ना वो है पता नहीं कैसे है यार उनसे बहुत प्यार है उनको मुझसे एक्चुअली है वो पूरा ज़माना भी हो जाए ना अलग तो भी वो दूर नहीं कर सकता तो मेरी भावों के लिए मेरी नीलू जी के लिए आ, सुहागन आ, शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि उसमें नीलू जी हैं आप सभी वो हैं तो जैसे उर्वशी जी हैं सबको साथ में लेकर चलती हैं वैसे वो सबको साथ में लेकर चलती हैं बहुत ख्याल रखती हैं सबका तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ में